Good morning, students. This is your teacher Neela Mahalavad. Today, we'll start or we'll study the second most important component that is the nucleus of the cell. So far, we have talked about the plasma membrane, that is the very first important component of the cell, and second is the nucleus of the cell. So, you keep your books and notebooks ready. We'll start with this topic today, isn't it? Shall we start? ओके लेट स्टार्ट द न्यूक्लियस द न्यूक्लियस बेसिकली इज़ अ मेंब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखिए जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ से एक मेमब्रेन होती है ठीक है और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन मीन्स वो इन्फॉर्मेशन कि हम कैसे दिखेंगे हमारी आइज के कलर क्या होगा हेयर का कलर क्या होगा लेंथ क्या होगी हमारे फीचर्स कैसे होंगे ठीक है दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड इट कंट्रोल्स द सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये सेल की ग्रोथ और सेल की रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है तो हम न्यूक्लियस को जो है इट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंट्रोल ऑफ द सेल ठीक है जैसे सीपीओ होता है दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल ऑफ द सेल और माइंड ऑफ द सेल सो न्यूक्लियस इज ऑल्सो कंट्रोल ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए जो आपको सेंटर में दिख रहा है ये न्यूक्लियस दिखाया गया है सेल के अंदर ठीक है इट इज ऑलवेज इन प्रेजेंट इन साइड द सेल सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और इसके अंदर हमारे बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है इट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन वट एवर इज नीडेड इट हैज ऑल द इन्फॉर्मेशन क्लियर स्टूडेंट्स देन देर इज अ मेंब्रेन विच ऑज कॉल्ड न्यूक्लियर मैंब्रेन जो इसको चारों तरफ से सराउंडेड रखती है इसको सेपरेट करती है देखिए ये आपका सेल है इस सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है उसे हम क्या कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर हमारा सारा जेनेटिक मटीरियल है ऑल जेनेटिक मटीरियल इज प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस ठीक है ऑल जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस दैट दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम्स तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोजोम्स मौजूद हैं क्या मौजूद है क्रोमोजोम्स मौजूद हैं ठीक है एंड दीज क्रोमोजोम्स द हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट जेनरेशन एंड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन और किस फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन है क्रोमोजोम्स की फॉर्म में सो so, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं ठीक है नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को इफ़ यू लुक एट दिस हम इतने पोर्शंस वी कैन हैव फाइव पोर्शंस और फाइव सेपरेट कंपार्टमेंट्स वन इज द न्यूक्लियर एनवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस क्रोमोजोम एंड न्यूक्लियोप्लाज्म हमें सिर्फ इसका एक एक दो दो पॉइंट याद करना है स्टूडेंट्स वी डोंट Uh, to mug up everything, we just remember that cell contains nucleus and nucleus has all the information. And this nucleus contains five important components: nuclear envelope, nuclear membrane, nucleolus, chromosomes, and nucleoplasm. Okay, clear? Hai? So this outermost, you see, this is nuclear envelope. Okay, this will cover the complete cell.

सो न्यूक्लियर एनवलअप बेसिकली इज अ डबल मेंबरेन स्ट्रक्चर ठीक है अगर हम न्यूक्लियस को इस तरीके से डेजिग्नेट करते हैं सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है तो दिस विल भी सराउंडेड बाय डबल मेंबरेन स्ट्रक्चर एंड इन साइड इज ए कम्प्लीट न्यूक्लियस ये आपका पूरा कम्प्लीट न्यूक्लियस है एंड इट विल भी कवर्ड बाय टू मेंबरेन्स एंड दीज मेंबरेन्स इन बिटवीन दीज मेंबरेन्स दे हैव स्लाइट पोर्स ओके दे हैव स्लाइट पोर्स इन बिटवीन

And this complete structure is called the nuclear envelope. Nuclear membrane. Nucleus is surrounded by a membrane which is called nuclear membrane. Okay, what is nuclear membrane? The nucleus is surrounded by a membrane which is called nuclear membrane. Like if you see, this is the nuclear membrane.

इट विल री राइट राय आर आर एन ए बनाना इसका मेन काम है ठीक है ओके क्लियर देन इन दी न्यूक्लियस देर आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट सपोज ये आपका न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अंदर देर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विल बी देर एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड क्रोमैटन दे आर कोल्ड chromatin so nucleus is containing chromatin now as thread like structures as i was talking about this this is called chromatin now this chromatin will will condense and will form chromosomes this is a structure so nucleus contains chromatids and chromatids will form the will form the chromosome

सेम वे न्यूक्लियस विल हैव न्यूक्लियस विल हैव न्यूक्लियोप्लाज्म ठीक है जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होती है वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होती है ओके इज ए क्लियर टू एवरीवन क्लियर राइट So this is the only important thing that we must remember. So, nucleus has nucleoplasm, cell has cytoplasm, nucleus will have nucleoplasm. So, you will make notes of the topic. Whatever we've read, just important points. And by the way, you will write down the important functions of the nucleus also. What are the functions of nucleus? Like it controls or it passes the information from one generation to another. and it controls all your features. see, they are given in page number 61 and 62. our page numbers are ncrdk 61, 62. they are given there. okay? so we will make notes of the topic. you will read the page number 61 and 62 and you will highlight the important points like functions of the nucleus. okay? Clear students? Okay, bye everyone.